मोबाइल पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखा दें जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। नाना पटोले इन दिनों अपने राजनीतिक करियर को लेकर गहन चिंता में है। कांग्रेस के सम्मेलन में हुई नाना की किरकिरी, जिसके चलते नाना पटोले कांग्रेस से भाजपा पे जाके वापिस भाजपा से कांग्रेस में आके वही रुतबा और वही मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में अब उन्हें वह मुकाम नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते अब वे अपने राजनीति भविष्य को लेकर चिंता मग्न है। बोला जाता है कि चिंता से चतुराई घटी और चतुराई से शरीर घटा, यह कहावत नाना पर सटीकता से बैठती है। क्या अब नाना अपने द्वारा निर्मित संगठन छावा संग्राम से आगामी महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे? ऐसा सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि नाना अब मेडिकल कॉलेज के मरीजों का न्याय दिलाने के लिए अपने राजनीतिक सफर को इस्तेमाल करते नजर आए। जैसे कि हाल ही में भंडारा जिले की साकोली तहसील के पास टैक्सी हादसे के परिवारजनों को आज तक मिलने नहीं गए, क्योंकि वह टैक्सी नाना के संगठन द्वारा संचालित टैक्सी थी, नाना के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि नाना के ही नाम में ही कांग्रेस का नाना है। फिलहाल वक्त चला ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ लाइव के साथ।